हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट आर एस पी बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अलजेब्रा का एक और ट्रिक, जिसमें आप इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर 2 से 3 सेकंड में फट से निकाल सकते हो। तो आप इसको हम बताएंगे और इस पे कुछ क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे, जिससे कि एकदम ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और इससे संबंधित और वीडियो का लिंक जो है मैं उसमें आई बटन में इधर राइट साइड में दिख रहा होगा आई बटन, तो वहाँ पे मिल जाएगा। और बाकी डिस्क्रिप्शन में नीचे जहाँ पे सीमोर दिया रहता है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन में और वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप इसको देख के और इससे अपना कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। और आप जो है राइट साइड में एक बेल आइकन की बटन होगी, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। तो इस टाइप का जो ट्रिकी क्वेश्चन ट्रिक कॉन्सेप्ट आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं, शुरू करते हैं इसको। इस टाइप का क्वेश्चन अगर है तो उसका हम आंसर कैसे 2 से 3 सेकंड में। जैसे अगर यक्स प्लस क्या दिया है, यक्स प्लस 1/n यक्स इक्वल टू यंग दिया है, ऐसा अगर हो, ए दिया हो, यक्स प्लस 1/n यक्स इक्वल टू दिया हो, मान लो यंग है, तो फिर अब पूछेगा यक्स स्क्वायर प्लस 1/n यक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जितना दिया है उतना माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यंग स्क्वायर माइनस 2। इसमें अगर यही है तो यक्स स्क्वायर यक्स पावर 4 प्लस 1/n यक्स पावर 4 का क्या हो जाएगा, यंग स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, ऐसा हो जाएगा। अगर यक्स क्यूब प्लस 1/n यक्स क्यूब पूछा है और यंग दिया है तो क्या करोगे आप, यक्स यंग क्यूब माइनस 3n हो जाएगा, माइनस 3n हो जाएगा। अगर यक्स टू पावर 6 है प्लस 1/n यक्स टू पावर 6 है तो इसका क्या हो जाएगा, यंग क्यूब माइनस 3n का होल स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। और इसका है तो इसका आप पहले स्क्वायर वाला 2 और 3 है, जैसे x टू पावर 5 है तो 2 प्लस 3 5 हो जाता है ना, तो उसको क्या करोगे आप, 2 लिख देना है। यहाँ पे जो है आप 2 वाला ले लेना यंग स्क्वायर माइनस 2 और इनटू में लिख देना ये 3 वाला लिख दोगे, ये क्या है यंग स्क्वायर माइनस 2 का, यहाँ पे 3 वाला क्या है यंग क्यूब है, सॉरी ये है यंग क्यूब माइनस 3n, इतना लिख के इसमें से n घटा देना तो ये निकल जाएगा x टू पावर 5 प्लस 1/n x टू पावर 5। अब यहाँ पे आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ इसी साथ में कि अगर ये प्लस है, ये प्लस है तो यहाँ पे घटेगा कब और कब जुड़ेगा, ये भी यहाँ पे साइन क्लियर कर लीजिए। जैसे अगर जैसे दिया हुआ है x प्लस 1/n x इक्वल टू मान लीजिए 1 दिया है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 1 दिया है, अभी इसको सॉल्व भी कर देता हूँ। तो आपसे अगर पूछूं कि x स्क्वायर प्लस 1/n यहाँ पे माइनस कर दो, माइनस 1/n यक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो यही बता रहा हूँ। अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, पहले ये वाला देख लो, अगर यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो क्या होगा, अगर दोनों जगह प्लस है तो हम यहाँ पे जो 2 घटा रहे हैं वो क्या करेंगे, तो यहाँ पे माइनस साइन लिया जाएगा, यहाँ पे प्लस था यहाँ प्लस था इसलिए हमने माइनस लिया, तो यहाँ पे माइनस लिया जाएगा। अगर जैसे ये वाला है यहाँ प्लस है पहली जगह यक्स प्लस 1/n यक्स है ना, यहाँ प्लस है यहाँ यक्स स्क्वायर माइनस 1/n यक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस है, तो क्या करेंगे यहाँ पे प्लस ले लेंगे, आपको प्लस ले लेंगे। और ये वाला दूसरा वाला क्या करेंगे, अगर यहाँ पे मान लो इसी टाइप का कुछ दिया हो, यहाँ माइनस हो यहाँ पे प्लस हो तो क्या करोगे, साइन क्या लोगे, प्लस ले लोगे, दोनों माइनस हो मतलब ये भी माइनस हो ये भी माइनस हो तो क्या करोगे, तब भी प्लस ले लोगे। तो ये 4 केस बन सकता है, या तो दोनों प्लस हो जैसे इस टाइप का हो तो आप माइनस लोगे, या तो ये प्लस हो या माइनस हो तब क्या करोगे, फिर इस टाइप से एक माइनस एक प्लस हो कोई भी तो आप क्या करोगे, या दोनों माइनस हो तो फिर कौन साइन लोगे, तो उसको हमने ये आप देख लिए हैं। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो तो इसमें आप कैसे अप्लाई करोगे, x प्लस 1/n x इक्वल टू 1 हो तो x स्क्वायर माइनस 1/n x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आंसर इसका, तो इस पे आप क्या करोगे, आप जानते हो जो दिया रहता है मतलब 1 स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 2, तो 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस 2 आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 1। यहाँ पे ये देखो माइनस प्लस था तो यहाँ प्लस लेना पड़ेगा,
तो ये हो जाएगा थ्री, आंसर क्या जाएगा थ्री आएगा। माइनस है ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या ले जाएगा प्लस ले जाएगा, तो इस तरीके से ये आंसर आ गया थ्री आ गया। इसी पे और नेक्स्ट टाइप अलग अलग हम कई क्वेश्चन लेके आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं और इससे पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप देखते हैं इसका आंसर लिख सकते हैं। थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ अभी कॉन्सेप्ट बता, और आप ऑप्शन के हिसाब से चेक करने के लिए हम बता देंगे कैसे जो है चेक करके आप देखते ही और मतलब एक दो सेकंड में लिख सकते हो। तो उसका ट्रिक भी बता देता हूँ अभी। तो यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए अगर हमें दिया है x माइनस वन अपान x इक्वल टू टू दिया है, तो पूछ रहा है x स्क्वायर, x पावर फोर ले लो, x स्क्वायर तो हो गया है x पावर फोर प्लस वन अपान x पावर फोर, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले आप जो है यहाँ से निकाल लो इसका, हम आप जानते हो कि n स्क्वायर जैसे यहाँ वाला क्या था n स्क्वायर माइनस टू प्लस वन था ना, तो इस टाइप से आप पहले इसका निकालना पड़ेगा आपको n स्क्वायर, n स्क्वायर मतलब ये कितना हुआ n स्क्वायर, ये वाली चीज अगर पहले माइनस प्लस दिया है तो प्लस होगा, तो वहां से आप पहले टू का स्क्वायर लिखोगे, टू का स्क्वायर प्लस टू हो जाएगा, उसके बाद इसी में इसका दुगना हो रहा है तो आप क्या करोगे उसमें से यहां से अब फिर ये आ रहा है माइनस प्लस, तो इसमें दो जोड़ दो, ये हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर प्लस टू, चार दो छह प्लस टू, ये हो जाएगा एट हो जाएगा, ये हमारा एट हो जाएगा, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा एट आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। और भी क्वेश्चन हम लेके इसको सॉल्व करते हैं, देखिए एक क्या होगा हमारा, जैसे आप इसमें अब आराम से समझ सकते हो, जैसे कि x स्क्वायर x मान लो हम ले लेते हैं x प्लस वन अपान x इक्वल टू थ्री, वन अपान x इक्वल टू थ्री है, तो आपको फाइंड आउट करना है x क्यूब प्लस वन अपान x क्यूब इक्वल टू कितना होगा, ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करोगे इसमें, इसमें आप जान रहे हो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो यहाँ पे वैल्यू है, वैल्यू क्या है थ्री, तो थ्री का क्यूब कर दो, माइनस का थ्री का क्यूब और माइनस का थ्री इंटू यन, यन की वैल्यू कितना है थ्री, यही होगा ना, देखो यहाँ पे फार्मूला लिखा होगा यन क्यूब माइनस थ्री इंटू यन, तो ये हो जाएगा तीन त्रिका नौ त्रिक सत्ताईस, सत्ताईस माइनस तीन त्रिका नौ, तो ये कितना हो जाएगा सत्रह से आठ नौ गए आठ और यहाँ पे अट्ठारह, तो आंसर इसका कितना आ गया, आंसर जो है इसका आ गया अठारह। अच्छा अगर ऐसे यहाँ पे कुछ ऑप्शन, चलो अभी आगे देख लो, यहाँ पे इतना दे दिया है, मान लीजिए यही चीज है x प्लस वन अपान x इक्वल टू थ्री दिया है, तो आपसे पूछ ले x टू पावर सिक्स प्लस वन अपान x टू पावर सिक्स इक्वल टू कितना होगा, इसकी वैल्यू पूछ ले, तो क्या करोगे, देखो x क्यूब का ये डबल हो स्क्वायर हो रहा है, डबल हो रहा है स्क्वायर में, तो क्या करो आप जितना आया है मतलब ये जितना आया है उसका आप कर दो स्क्वायर और माइनस का कर दो कितना, माइनस का आप कर देंगे माइनस का टू कर दो, माइनस का टू कर देंगे, तो यहां से 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 18 का स्क्वायर हमारा होता है 324 और माइनस टू, ये कितना हो जाएगा 322, इसका आंसर आ जाएगा 322, सॉरी 322 आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x क्यूब प्लस वन अपन x क्यूब था, तो देखो ये प्लस प्लस था इसलिए हमने माइनस ले लिया, और होता क्या है n क्यूब माइनस थ्री n, तो n क्यूब हमने 3 का क्यूब कर दिया माइनस 3, n की वैल्यू 3 रख दिया, तो 3 क्यूब 27 माइनस 3 इंटू 3 9 आ गया, तो 27 माइनस 9 18 आ गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा x टू पावर 6। अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, मतलब अगर दिया हो x प्लस वन अपान x इक्वल टू थ्री हो, तो x पावर सिक्स प्लस वन अपान x पावर सिक्स इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे क्या करोगे, वैसे तो फार्मूला होता है कि n क्यूब माइनस थ्री n का होल स्क्वायर माइनस टू होता है, लेकिन आप पता है आपको, तो आपने निकाल लिया है n क्यूब माइनस थ्री n का होल स्क्वायर, उसी में से दो घटा, तो जितना आ रहा है जितना स्क्वायर लिख दो माइनस टू कर दो आराम से आ जाएगा। तो इस टाइप से आपने देखा कि स्क्वायर वाला हो गया x स्क्वायर प्लस वन अपान x स्क्वायर हो गया, x पावर फोर प्लस वन अपान x पावर फोर हो गया, x क्यूब प्लस वन अपान x क्यूब हो गया, और इसमें जो है x पावर सिक्स प्लस वन अपान x पावर सिक्स हो गया।
तो यहाँ पे इस तरीके से आप हल कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देख लो इसमें। इसमें देखिए, अगर हम ले लेते हैं कि यक्स प्लस 1/x इक्वल टू, अगर हम 4 ले लें, यक्स प्लस 1/x इक्वल टू 4 ले लें, और हम पूछ लें कि यक्स टू पावर 5 प्लस 1/x टू पावर 5 क्या होगा इसका आंसर, तो आप क्या करोगे? आपको पता है कि यहाँ पे जो फार्मूला हम यूज किए हैं वो होता है एन स्क्वायर माइनस टू इंटू एन क्यूब माइनस 3n, और माइनस का n होता है, ये होता है। अब n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 4 है। n की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर लिख दो, 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 का क्यूब। आप देखिए, बस मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, n की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 माइनस का 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 माइनस 2, और यहाँ पे 4 चौक 16 चौका 64 माइनस 12 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा, 14, 16 में से 2 गए 14, और ये आ जाएगा हमारा, ये कितना बचा, 14 में से 4 में से 2 गए 2, 6 में से 1 गए 5, माइनस का 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 14 दूनी 28, 14 पच्चीस 70, 70 दूनी 72 माइनस 4, तो ये कितना आ गया, 724। इसका आंसर कितना आ गया, 724 आ जाएगा। तो इस टाइप से आप लगा सकते हो। अगर इसी में अगर ये पूछ ले एक्स टू पावर 10 प्लस 1/x^10 होगा तो फिर क्या करोगे, इसी का क्या हो रहा है, इसी का डबल हो रहा है, एक्स टू पावर 5 का डबल हो रहा है, तो जितना आया है इसका आप स्क्वायर करके माइनस 2 कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये जो आया है जितना 724, इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, माइनस का 2 कर दीजिएगा, और इसका स्क्वायर वाला जो स्क्वायर क्या है आपका, इसकी मेरे उसमें आप प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे ये मिल जाएगा, इसका ट्रिक कैसे आप स्क्वायर निकालते हैं किसी संख्या से, उससे आप निकालोगे 102 सेकंड में फट से आ जाएगा। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अभी तक आपको ये अगर समझ में आ रहा है हमारी वीडियो, ये जितना बता रहा हूँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल HT.RSVO को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे किस टाइप का अगर और क्वेश्चन हम ले लेते हैं तो देखो, जैसे यक्स क्या है यहाँ पे, अगर यक्स प्लस 1/x, यक्स प्लस 1/x है तो इसको अगर हम ले लें, मान लीजिए कुछ ऐसा, मान लो 4 ले लेते हैं, 4 ले लें, 4 नहीं 3 ले लो, 3 ले लेते हैं, और हम पूछ लें अगर कि यक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा, और एक्स टू पावर 4 प्लस 1/x⁴ क्या होगा, और पूछ लेते हैं एक्स टू पावर 8 प्लस 1/x⁸ एक्स टू पावर 8 क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसको आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहला वाला देखो, पहले वाले में क्या होगा, पहले वाले में होगा 3 का स्क्वायर माइनस 2, मतलब 9 माइनस 2 कितना हुआ, 7 हुआ ना, यही तो बताया था एन स्क्वायर माइनस 2, तो 9 स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर माइनस 2 7 हो गया। दूसरे वाले में इसका आंसर कितना हुआ, 7 हो गया। इसका देख लो, इसका अगर आपका इसी का दुगना हो रहा है तो इसका कर दो 7 स्क्वायर माइनस 2, मतलब ये कितना हो जाएगा, 49 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा। और फिर इसका इसका आप देखोगे x टू पावर 8, इसका क्या हो जाएगा, जितना आ रहा है मतलब 47 का स्क्वायर, इसका माइनस 2 कर दो, माइनस 2 कर दीजिए, तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 47 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 47 का स्क्वायर जो है 7 × 3 = 50, और 7 × 2 = 14 × 14 = 56, 56 और 56 × 4 = 60, और फिर 4 × 16, 16 × 4 = 20, इतना आ जाएगा इसका, इसका स्क्वायर जो है इतना आ जाएगा माइनस 2, ये कितना हो जाएगा, 2007 हो जाएगा, 2007 हो जाएगा। इसमें आपने क्या किया, 7 × 3 = 4 आ गया, और फिर 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 56, 56 × 4 = 60, और फिर 4 × 16, 16 × 6 = 22 होगा, तो 2209 होगा, 2209 होगा यहाँ पे, सॉरी 2209 होगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 2207 आ जाएगा इसका। तो इस टाइप से आप किसी का भी ले सकते हो। अभी जैसे क्या होगा, अभी यहाँ पे अगर हम लिख दें x टू पावर
कितना आया, 8 आया है ना, अगर हम 16 लिख दें प्लस 1 अपॉन x पावर 16 क्या हो जाएगा, तो आप जान सकते हो क्या होगा, जितना आया है इतना x पावर 8 प्लस 1 अपॉन x पावर 8 का आंसर, उसका आप स्क्वायर करके माइनस 2 कर दीजिएगा, आ जाएगा आराम से x पावर 16 प्लस 1 अपॉन x पावर 16 का आंसर। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा आप आराम से लगा सकते हैं। और कोई दूसरा क्वेश्चन हम एक और ले लेते हैं, इसको देख लो कैसे होगा। जैसे अगर दिया हो x प्लस 1 अपॉन y इक्वल टू, मान लो 4 दिया हो, मान लो 4 दिया हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम कह दें x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब, ये कितना होगा, तो आप क्या करोगे, आप इसमें करेंगे n का क्यूब करोगे, मतलब 4 का क्यूब माइनस का क्या होगा 3n, मतलब 3 × 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 16 = 64 माइनस 12, तो ये आ जाएगा कितना, 4 − 2 आ गया, 6 − 1 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, कितना अपना आंसर ए आ जाएगा, ये कितना आ गया, n³ − 3n हो गया ना, तो 4 × 12 = 16 × 64 दो में से 2 गए 6 में से ए आ गया 52 आ गया, 52 आ गया, यहाँ पे 52 आ गया, फिर जो है यही आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, इसका आंसर इतना आ गया है। थोड़ी देर के लिए अगर हम x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 3 मान लें, तब फिर पूछ लें x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब का आंसर क्या होगा, तो क्या करोगे आप, वही बात, यहाँ पे 3 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 × n, मतलब 3, तो ये कितना हो गया 27 − 9, कितना आ गया 18। अच्छा, अगर ऐसा कोई आंसर मान लो दिया हुआ है कि जैसे यहाँ पे कितना होगा 9, मतलब जैसे अगर 12 दिया हो पहला ऑप्शन, फिर 14 दिया हो, 16 दिया हो, 18 दिया हो, ऐसा ऑप्शन दिया हो, तो आपको अगर इससे चेक करना है तो और आसानी होती है। इसमें क्या करोगे आप, यहाँ पे जितना संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे जितनी संख्या दी हुई है उसका स्क्वायर, उसका जो है क्या करोगे, उसका आप कर दोगे स्क्वायर। जैसे 3 है, 3 का स्क्वायर 9, अब 9 इन सब ऑप्शन में चेक कर लेना, जिसमें 9 ऐड करने पे पूर्ण घन हो जाता है, क्यों इसमें पूर्ण घन हो जाता है, वो क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 12 में आप 9 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 9 × 2 = 11, 21, पूर्ण घन है नहीं है, इसमें 9 जोड़ दोगे क्या आ जाएगा, 9 × 4 = 13, 23 आ जाएगा नहीं है, 16 में 9 जोड़ दोगे 25, पूर्ण घन है नहीं है, 5 का स्क्वायर है, अगर 18 में 9 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा 27, ये 3 का क्यूब हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, ये 18। तो ये भी ऑप्शन से आप देख लेना, इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो जहां पे ये जो दिया हुआ है x प्लस 1 अपॉन x या x माइनस 1 अपॉन x, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप उसका स्क्वायर करना, उसका स्क्वायर करना, फिर ऑप्शन में सब में ऐड करना, जिसमें ऐड करने पे वो पूर्ण घन आ जाती है, वो पूर्ण घन अगर आ जाती है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और आराम से देखते ही फटाफट निकल जाएगा 2 से 3 सेकंड में। और अलजेब्रा में और इससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हम अगली वीडियो में बना देंगे, तो वो भी ट्रिक्स ही रहेगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारा चैनल STQ_SBA सब्सक्राइब करिएगा, और इससे संबंधित और वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। इधर राइट साइड में SPR का लोगो दिख रहा होगा इधर, तो यहाँ पे आप क्लिक करिएगा, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उससे वो वहाँ पे क्लिक करेंगे, चैनल हमारा सब्सक्राइब हो जाएगा, और इस पर वीडियो 3 आ रही होगी, प्लेलिस्ट आ रहा होगा, 2 वीडियो आ रही होगी, तो उसको भी आप, और ट्रिकी होंगे उसमें, ट्रिकी होगा इससे अल्जेब्रा का, तो उसको आप देख के अपना कैलकुलेशन बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में।